राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे पास में जो श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप हैं उनको दिखाऊंगा और आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद में अगर आपके पास में वो स्वरूप तो उपस्थित नहीं है तो आप प्रयास करेंगे कि आपके पास भी वो रहे। तो जो एक छोटा स्वरूप है श्रीमद् भगवद गीता का वो ये है मेरे पास में, आप इसको देख सकते हैं। और ये श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य द्वारा प्रकाशित है। एक कंफ्यूजन है श्रीमद् भगवत गीता जी में और श्रीमद् भागवत में। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसी का नाम गीता है, उसी को हम शॉर्ट में जो है छोटे उसमें गीता बोलते हैं, गीता जी बोलते हैं, गीता पुस्तक के नाम से जानी जाती है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत जो है वो विशाल स्वरूप है और वहां उसी का अंश जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो यहाँ जो दूसरा स्वरूप है मेरे पास में वो ये स्वरूप है श्री स्वामी प्रभुपाद द्वारा ये रचित है। तो इसको आप सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये इस्कॉन द्वारा जो है उपलब्ध है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता जी और ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा ये प्रकाशित है। एक उत्तर भारत में बहुत कम लोगों को शायद पता होगा जो श्री ज्ञानेश्वरी जी है, ये भी श्रीमद् भागवत गीता का ही भाव है जो श्री संत ज्ञानेश्वर स्वामी संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा इसका भाव जो है वो रखा गया है श्रीमद् भागवत गीता का। और ये हिंदी अनुवाद है मेरे पास में जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि अगर आपके पास में श्रीमद् भगवत गीता है तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति या स्थिति के अंदर अगर हैं तो वो आपको एक तरह से जो है आपको संचालित करती है, आपके ऊपर कृपा करती है। और ये जो पुस्तक है ये स्वामी रामसुख दास जी द्वारा ये इसका जो भाव है वो लिखा गया है। यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि जो टीका टिप्पणी है वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की जो है एक विशेषता है और इसका जो है आप स्वरूप देख सकते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता जी है ये कितनी बड़े हैं। और इसके अंदर जो टीका टिप्पणी जो है वो की गई है स्वामी रामसुख दास जी द्वारा। तो वो किसी भी परिस्थिति में जब आप उसको समझते हैं तो संत लोग क्या करते हैं कि हर परिस्थिति के लिए उसको तैयार करते हैं। तो इस तरह से टीका टिप्पणी ये जो मेरा मतलब है बोलने का ये इतना है कि टीका टिप्पणी किसको बोलते हैं, जो हमारे संत हुए हैं जो बड़े बड़े संत लोग हैं उनको जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो एक जो शब्द है या एक जो श्लोक है उसका जो अर्थ है उसके विभिन्न रूपों में उसकी वो वर्णन करते हैं, उस पर अपना भाव रखते हैं। प्राचीन काल में जो है आपने सुना होगा कि भारतीय संस्कृति के अंदर शास्त्रार्थ की जो है परंपरा है और शास्त्रार्थ की जो परंपरा है ये एक विशेष परंपरा है। और इसका एक विशेष गुण ये है कि किसी भी स्थिति विशेष या किसी भी प्रकार के ज्ञान को आप सीधा ना प्राप्त करके उस पर आप टिप्पणी करिए, आप उसको जांचिए कि ये किस परिस्थिति में कहा गया और किस तरह कैसे ये कहा गया और ये कितना प्रासंगिक है उस सामाजिक जीवन के लिए या उस सामाजिक कल्याण के लिए। तो भाव ये है कि जो श्रीमद् भगवद गीता जी है वो श्री कृष्ण जी के जो है वचन है और उनकी वाणी है और उनके द्वारा संदेश है अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो एक श्लोक जो है किस प्रकार से किसी भी विचार को जो है इंगित करता है ये सब प्रेरणा है किसी भी एक संत की, एक महात्मा की जो एक विशेष स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो अपनी भाव जो है उस भाव को रखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं और उनको इन
विभिन्न स्वरूपों में हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, मेरे पास में ये छोटा स्वरूप है और आप भी समझते हैं कि भाई जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, इनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त करना और उसका जो एक संचरण है वो प्रभु कृपा से ही हो सकता है। श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा लिखी हुई श्री ज्ञानेश्वरी, ये भी श्रीमद् भगवत गीता का ही एक रूप है और श्रीमद् भगवत गीता का यथा रूप ये आप देख सकते हैं स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा। तो जहां जैसा भी अवस्था रही, स्थिति रही, मैं कोशिश करता रहा कि ये साहित्य, इस तरीके के महाकाव्य ये मेरे पास में हो और मैं बड़े जो संत हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसको उनके विचारों के को समझ पाऊं और उस तक पहुंच पाऊं या ऐसा देख पाऊं, तो ऐसा प्रभु मुझ पे कृपा करें। तो इसकी जो मोटाई है वो भी आप देख सकते हैं, आकार में पहले दिखा चुका हूँ आपको कि कितने प्रयास रहे होंगे इन संत महापुरुषों के इस भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हैं इस प्रकार की सभी पुस्तकें, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस समय इसको मैंने वहां से गोरखपुर से लिया था, तब इसकी जो कीमत थी वो मात्र 100 रुपए थी। इतना जो है ज्ञान अगर कोई भी एक श्लोक और प्रभु कृपा करें और उसको हमें मिल जाए, तो यहाँ मैं कीमत नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं केवल एक बात रखना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे संत महापुरुष जो लोग हैं उनका प्रयास क्या है और उस प्रयास का उनका कारण क्या है, क्यों वो हम लोगों को ये सब ज्ञान जो है देना चाह रहे हैं और इसको किस तरीके से हम लोग जो है समाज के अंदर रख सकते हैं। तो आप इनको देखिए, पढ़िए, समझिए अपनी तरह से, जितनी भी आप पर भगवान की कृपा हो, जैसे भी हो। तो ये एक मेरा छोटा प्रयास था कि मेरे पास में जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं उनके कौन कौन से स्वरूप हैं। तो आशा करता हूँ कि और भी अगली कुछ वीडियो में मैं इनके कुछ अंश आपके साथ शेयर करूँगा। राधे राधे।